वही टीवी की फेमस एक्ट्रेस दलजीत कौर इस टाइम पर अपनी दूसरी शादी को काफी एंजॉय कर रही है। शालिन भनोट से डिवोर्स लेने के बाद जो दलजीत हैं अपने सेकेंड हस्बैंड निखिल पटेल और उनकी दो बेटियों के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रही हैं। एक्ट्रेस ने यूके बेस्ड बिजनेसमैन निखिल पटेल से 18 मार्च 2023 को शादी रचाई। शादी के बाद से एक्ट्रेस अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पति और बच्चों के साथ कई सारी वीडियोस और फोटोज को शेयर करती नजर आ जाती है। आपको बता दें शालिन भनोट से डिवोर्स लेने के बाद दलजीत ने ये दूसरी शादी की है। और वहीं बात करें निखिल की तो निखिल की भी दूसरी शादी है। एक्ट्रेस का अपनी पहली शादी यानी कि शालिन भनोट से एक बेटा है जिसका नाम जीडन है। वहीं बात करें निखिल पटेल की तो निखिल को भी दूसरी शादी से दो बेटियां हैं जो अक्सर अपनी न्यू मॉम के साथ स्पॉट की जाती हैं। लेकिन अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया है कि तीन बच्चों को संभालते संभालते दलजीत कौर कितना ज्यादा परेशान हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दो बेटियां और इसके साथ अपना एक बेटा, इन तीनों को एक साथ संभालना और इसके साथ ही उन्होंने काम की भी शुरुआत कर ली है। इन सबको एक साथ मैनेज करना दलजीत के लिए काफी मुश्किल होता नजर आ रहा है। हाल ही में एक्ट्रेस ने ये बात फैंस के साथ शेयर की है कि किस तरीके से उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई हैं और उनकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है उनकी सौतेले बच्चों के साथ में। एक्ट्रेस ने बताया है कि तीन बच्चों के साथ उनकी लाइफ पहले से ज्यादा बदल चुकी है। दूसरी शादी के बाद केनिया शिफ्ट होने वाली दलजीत की लाइफ में खुशियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में एक्ट्रेस ने शेयर किया है कि तीनों बच्चों की परवरिश करना कितना ज्यादा मुश्किल है। दलजीत ने बताया कि उनकी बेटियों का जो स्वभाव है उनके लिए बिल्कुल नया है, ऐसे में उन्हें अच्छे से जानने के लिए काफी वक्त लगा। उनकी लाइफ के अपने रूल्स हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि अरियाना उनके बेहद करीब है और वो इंडियन कल्चर का काफी रिस्पेक्ट करना जानती हैं। एक्ट्रेस ने बताया है कि उनकी जो दोनों बेटियां हैं उन्हें एक टिपिकल पंजाबी ओवर लाउड मॉम समझती हैं, इसलिए वो उन्हें दोस्तों के सामने आने से भी मना करती हैं। टीनेजर की माँ होना अपने आप में काफी बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन एक्ट्रेस ने जिस तरीके से सौतेली बेटियों के बारे में बताया है कि उनकी बेटियां नहीं चाहती हैं कि उनकी जो न्यू मॉम है उनकी फ्रेंड्स के सामने आए, और इसके साथ ही कहीं ना कहीं बातों में उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया है कि उनकी नई बेटियां जो हैं, जो सौतेली बेटियां हैं, किस तरीके से उनके साथ उनका बिहेवियर रहता है। और एक्ट्रेस ने कहा है कि वो खुद को कभी 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 खुशी कभी गम की काजोल जैसा समझने लगती हैं। अब बातों बातों में भले ही जो दलजीत हैं उन्होंने डायरेक्टली कुछ ना कहा हो, लेकिन उनकी बातों से ये बात तो साफ नजर आ रही है कि जो उनकी सौतेली बेटियां हैं उन्हें अभी एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है दलजीत, और दलजीत को भी काफी टाइम लग रहा है इस नए माहौल में खुद को ढालने में, क्योंकि जेडन तो उनका बेटा है, जेडन को तो वो संभाल लेती है, लेकिन जो उनकी दोनों बेटियां हैं अभी उनके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किलें आ रही हैं, उनको जानने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेकिन दलजीत कौर काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। उनका मानना है कि धीरे धीरे जैसे ही माहौल में वो एडजस्ट हो जाएंगी वो दोनों बेटियों के साथ भी एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हैं। दलजीत कौर ने सौतेली बेटियों पर ये जो नई बातें की हैं, जो बताया है कि कितना मुश्किल है इन बेटियों के साथ रहना, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप, आपकी जो भी राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।